सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस ड्राइंग चैनल। सो आज फ्रेंड्स मैं एक रियल टाइम वीडियो एक्चुअली शेयर करने वाला हूं कि किस तरीके से मैं छोटे से छोटे पार्ट शेयरिंग करता हूं। सो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो कि इस ड्राइंग में मैं अभी नाक में शेयरिंग कर रहा हूं। सो मैं इस प्रकार से पार्ट बाय पार्ट एक्चुअली अपलोड करता रहूंगा, जैसे कि आप लोगों को भी समझ में आए कि किस तरीके से आप शेडिंग कर सकते हो, आपका ड्राइंग स्किल किस तरीके से आप डेवलप कर सकते हो। वो सारी चीज जो मैं एक्सपीरियंस करूंगा शेडिंग करते हुए मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा रियल टाइम वीडियो में। सो अभी फ्रेंड्स यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो कि मैं सारे पार्ट्स को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके कहाँ पर थोड़ा सा अप है, कहाँ पर थोड़ा सा डाउन है, मैं शेडिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे। और मैं अभी तो कैमलिन के जो चारकोल वाला पेंसिल है, हार्ड वाला, वो मैं यूज कर रहा हूँ। उसके बाद पेपर स्टाम्प को मैं यूज करूंगा करके इन सारे पेंसिल स्ट्रोक्स को मैं अच्छी तरीके से मार्च करूंगा, जैसे कि मुझे अच्छी तरीके से फिनिशिंग मिल जाए। सो काफी सारे टोन में आप पेंसिल शेडिंग कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं ये देखता हूँ कि बहुत लाइट करके मैं फर्स्ट टोन दे रहा हूँ यहाँ पर, उसके बाद मैं सेकंड टोन दूंगा। सो जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि मैं पेपर स्टाम्प को यूज करके पेंसिल स्ट्रोक्स को अच्छी तरीके से मार्च करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि मुझे एक स्मूथ टेक्सचर मिले। सो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से मैं मार्च करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। सो अभी जैसे कि आप फ्रेंड्स देख सकते हो कि मैं सॉफ्ट वाला जो चारकोल पेंसिल है, वो वाला चारकोल पेंसिल को यूज करके मैं डार्क एरियाज में डार्क देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हो किस तरीके से। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से ड्राइंग को ऑब्जर्व करके शेडिंग करना पड़ेगा, जिससे कि आपको अच्छा आउटपुट मिल पाए। और फ्रेंड्स आप जब भी शेडिंग करोगे आपका माइंड बहुत ही फ्रेश होना चाहिए, जैसे कि आपका पूरा मन पूरा कंसंट्रेशन इसमें लगा हुआ रहे। यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स किस प्रकार से मैं धीरे धीरे मैं शेडिंग को डेवलप कर रहा हूँ, और आप यहाँ पर ये वाला वीडियो आप रियल टाइम में देख रहे हो। सो इस प्रकार से कुछ रियल टाइम वाला वीडियो भी मैं लाऊंगा पार्ट बाय पार्ट, जहाँ पर भी मुझे लगेगा कि शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ, मैं जरूर इस तरीके से छोटे छोटे पार्टों में वीडियो को शेयर करूंगा। और बाद में जब पूरा ड्रॉइंग कम्प्लीट हो जाएगा तब मैं पूरा कम्प्लीट ट्यूटोरियल वीडियो लाऊंगा। सो अभी जैसे कि आपने देखा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक शेडिंग किया है अभी। सो इस वाले पार्ट में यहाँ तक अभी मैं धीरे धीरे यहाँ पर जहाँ पर भी थोड़ा सा बहुत डार्क है, मैं अच्छी तरीके से ड्राइंग को ऑब्जर्व करके डार्क बढ़ाऊंगा, इस प्रकार से मैं ड्राइंग को कंटिन्यू करूंगा। तो फ्रेंड्स आप भी ड्राइंग कीजिए बहुत सारे, जैसे कि आपका भी ड्राइंग स्किल ड्राइंग करने का जो आइडिया वो आइडिया डेवलप्ड हो। सो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं किसी नया पार्ट में, जब मैं कोई नया पार्ट में शेडिंग करूंगा तब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय फ्रेंड्स।